दोस्तों ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिवजी एस्ट्रोलॉजी में। सावन सोमवार, भूल से भी ना खाएं ये सात चीज़ें, भयंकर गरीबी आती है। दोस्तों श्रावण सोमवार के व्रत में ये फल कभी नहीं खाना चाहिए, व्रत का फल नहीं मिलेगा, व्रत भंग होकर दोष लग जाएगा, शिव जी के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। कम से कम सावन सोमवार के व्रत में इन चीज़ों का सेवन बिल्कुल ना करें। दोस्तों इस साल सावन का महीना 4 जुलाई से शुरू हो चुका है और 31 अगस्त तक रहेगा, जिसमें भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का व्रत रखना खास महत्वकारी होता है। सावन का पहला सोमवार 10 जुलाई को पड़ रहा है। सावन सोमवार का व्रत महिलाओं के लिए और कुमारी कन्याओं के लिए बेहद खास होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुमारी कन्याएं सावन के सोमवार का व्रत मनचाहे शिवयोग वर की प्राप्ति के लिए करती हैं और सुहागिन महिलाएं पति की उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए ये व्रत रखती हैं। सोमवार व्रत रखने से कुंडली के चंद्र ग्रह की स्थिति तो मजबूत हो जाती है, इससे कई सारे रोगों से छुटकारा मिलता है, नौकरी की समस्या का निदान और व्यवसाय में लाभ मिलता है। व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन मृत्यु के चक्कर से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों भगवान शिव बहुत ही दयालु हैं, जो अपने भक्तों के छोटे से छोटे दुखों को दूर करते रहते हैं। इसीलिए सोमवार व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ रखा जाता है। ऐसे में ये व्रत संपूर्ण करके लाभ प्राप्त करने के लिए इस दिन के खास अवसर पर विशेष ध्यान जरूरी होता है। हमारे शास्त्रों में इस दिन कुछ चीज़ों को खाना वर्जित बताया गया है, जानते हैं उनके बारे में। और एक ऐसा फल है जिसे अगर आप गलती से भी व्रत के दिन खा लेते हैं तो जिंदगी भर भगवान शिव की रुष्टता का सामना करना पड़ सकता है, आपका व्रत टूट सकता है, आपके परिवार पर विपत्ति आ सकती है। कम से कम सावन सोमवार के व्रत में ऐसा पाप कभी ना करें। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और महादेव से सच्चा प्यार करते हैं तो इस वीडियो को आप लाइक करके शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों भारतीय परंपरा में पुरातन काल से ही व्रत और उपवास का महत्व माना गया है। व्रत पूजा उपवास से व्यक्ति खुद धर्म के साथ जुड़ाव महसूस कर सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि व्रती को उधार मांगकर लाए फल आपको सेवन नहीं करना चाहिए, इससे दोष लगता है, व्रत भंग हो जाता है। दोस्तों किसी भी व्रत में मांगकर लाई गई चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे व्रत झूठा हो जाता है। सावन सोमवार के व्रत में आपको नाशपाती का फल नहीं खाना चाहिए, इस फल का नाम ही नाश यानी कि नाश करने वाला होता है, इसलिए कहा जाता है कि इस फल को व्रत में नहीं खाना चाहिए। अन्य किसी भी दिन आप ये फल खा सकते हैं, लेकिन जब आपका व्रत हो उस दिन नाशपाती ना खाएं, ना ही भगवान को चढ़ाएं। दोस्तों सावन में दूध और दूध से बनी चीज़ों को खाने से मना किया जाता है, इनको आप भगवान पर चढ़ा सकते हैं लेकिन सावन में इनका सेवन करने से बचें। दोस्तों कुट्टू या सिंघाड़े का पुराना आटा खाने से भी आपका व्रत टूट सकता है। लंबे समय से रखे हुए आटे में छोटे जीव जंतु आ जाते हैं जो दिखाई नहीं देते, ऐसा आटा अगर आप खाते हैं तो आप मांस का सेवन कर रहे होते हैं और व्रत में मांस खाना घोर पाप के समान माना गया है, इससे आपका व्रत भंग हो सकता है। सावन सोमवार व्रत नियम के मुताबिक इस व्रत के दौरान ताजे सात्विक भोजन का ही सेवन करना उत्तम होता है। इन दिनों में मांस मदरा लहसुन प्याज आदि का भी सेवन नहीं करना चाहिए। लहसुन प्याज शरीर में तामस प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं और धनिया पाउडर मिर्च और सादे नमक का सेवन भी इन दिनों नहीं किया जाता, सादे नमक की जगह सेंधा नमक का सेवन करना बेहतर होता है। सावन सोमवार के व्रत के दौरान मौसम के अनुकूल फलों का सेवन करना चाहिए। अगर व्रत में फलाहार करना चाहते हैं तो सेब केला अनार आदि आप फल खा सकते हैं। आप लौकी आलू और कद्दू जैसे सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। आप शाम को बादाम काजू के किशमिश इन चीज़ों को खा सकते हैं। सावन में हरी पत्तीदार सब्जियों को खाना अच्छा नहीं माना जाता, इसमें पित्त बढ़ाने वाले तत्व की मात्रा बढ़ जाती है, साथ ही इनमें इस दौरान बैक्टीरिया पनपते हैं जो आपको बीमार कर सकते हैं। तो पूरे सावन में व्रत करते समय इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखें। अब जानते हैं कि इस मास में
इस मास के नियम क्या होते हैं? अगर आप व्रत करते हैं तब तो इन नियमों का पालन करना ही है, लेकिन जो लोग व्रत नहीं करते उन्हें भी इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। अगर आप भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं तो शीघ्र ही अपने मन की कोई कामना है जिसे पूर्ण करना चाहते हैं तो इन नियमों का पालन करें तो बहुत अच्छा होगा। नियम क्या होते हैं? सावन मास के व्रत आसान से नियम हैं और बहुत आसानी से हम इनका पालन भी कर सकते हैं। जैसे कि इस महीने में हमें तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए। तामसिक मतलब क्या होता है? लहसुन प्याज हमें अपने भोजन में प्रयोग नहीं करने चाहिए। मांस मदिरा सेवन बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए। और इस विशेष समय में जो लोग व्रत करते हैं उनको विशेष रूप से इन महीने में मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए, मूली नहीं खानी चाहिए, बैंगन नहीं खानी चाहिए। और हमारे शास्त्रों का मानना है कि बासी खाना, जला हुआ हमारे यानी कि घर में जो बना है भोजन तामसिक भोजन में ही आता है, जैसे जल गया हो या बासी बचा हुआ हो, ऐसे में भोजन को हमेशा सावन के मास में त्याग करना चाहिए। विशेष रूप से सात्विक भोजन, शुद्ध भोजन मतलब उसी समय का बना हुआ भोजन हमें प्रयोग करना चाहिए। रात का बचा हुआ भोजन या सुबह का बचा हुआ भोजन रात को ऐसे नहीं खाना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें खाने में नियमों का ध्यान रखना है। खाने में हमें क्या खाना चाहिए? कुछ भी सात्विक भोजन बनाकर हम खा सकते हैं। अब कुछ भक्त क्या करते हैं कि अगर आप पूरे सावन मास का व्रत रखते हैं तो आप एक समय भोजन कर लेते हैं, शाम के समय या सुबह के समय, अपनी सुविधा के अनुसार जिस भी समय भोजन करना चाहते हैं आप एक समय भोजन का प्रण ले लेते हैं और फिर आप व्रत का नियम करते हैं। और कुछ भक्त दोनों ही समय भोजन लेते हैं, जैसे दिन में दो बार भोजन लेते हैं लेकिन वो तामसिक चीज़ों का त्याग कर देते हैं। तो नियम आप खुद ही निर्धारित करते हैं, आपके अपने ऊपर ही निर्भर करता है आप कितने ही शारीरिक रूप से सक्षम हैं इन नियमों का पालन करने के लिए। तो अगर आप एक समय का भोजन करते हैं तो सुबह शाम दोनों समय में कोई एक समय निश्चित रूप से निर्धारित कर लीजिए। आप प्रतिदिन आपको उसी समय भोजन करना चाहिए, शुद्ध सात्विक भोजन आपको लेना है। दिन में आप फलाहार कर सकते हैं, कोई भी फल खा सकते हैं। इन महीने में दूध नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस समय में यानी सावन का महीना होता है तो सावन के महीने में दूध का त्याग कर देना चाहिए और दूध से सिर्फ भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए, खुद उनका सेवन नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से आपको सावन के नियमों का पालन करना है। तो जिन चीज़ों का सेवन नहीं करना है वो हमने आपको बताया, और जो चीज़ें आपको खा सकते हैं जैसे कि फलों में आप कोई भी फल खा सकते हैं, सेब खा सकते हैं, अनार अंगूर खा सकते हैं, केला खा सकते हैं, मौसमी फल खा सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें बैंगन वगैरह यानी कि कोई भी जैसे कि कुम्भड़े की सब्ज़ी और बंद गोभी या फिर फूल वाली गोभी कोई भी आप ना खाएं, क्योंकि इनमें कीड़े मकोड़े पड़े रहते हैं, इन्हें भूलकर भी ना खाएं, व्रत खंडित हो जाता है, महादेव क्रोधित हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ विशेष जानकारी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, कमेंट में लिखिएगा हर हर महादेव, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय शिव शंकर भोलेनाथ।